हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट, चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा हम फॉसिल फ्यूल्स में कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, और जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने कीवर्ड से शुरू करेंगे, तो चलिए हम अपने कीवर्ड शुरू करते हैं। हमारा पहला कीवर्ड है कोल, COAL, कोल, PETROLEUM, पेट्रोलियम, EXHAUSTIVLE, एग्जॉस्टिबल, INEXHAUSTIVLE, inexhaustible, RESOURCES, resources, FOSSIL, fossil, FUELS, fuels, fossil fuels, COKE, coke, CARBONISATION, carbonization, REFINING, refining, NATURAL, natural, GAS, gas, natural gas, BITUMEN, bitumen, LIQUEFIED, liquefied, PETROLEUM, petroleum, GAS, gas, liquefied petroleum gas. This stands for LPG. Next, PETROL, petrol, DIESEL, diesel, PARAFFIN, paraffin, WAX, wax, paraffin, wax. तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं जो इस चैप्टर में टर्म्स आई हुई हैं। सबसे पहले एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज, वो चीज़ें जो हमें कुदरत से मिलती हैं पर वो एग्जॉस्टिबल हैं, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, जैसे कि कोल, कोयला, पेट्रोल या फॉरेस्ट। तो इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है और ऐसे जो रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। The resources which are present in limited quantity and can be exhausted. Example, coal, petroleum and forests. Next, inexhaustible natural resources. वो natural resources जो कि unlimited quantity में present हैं और वो कभी exhaust नहीं हो सकते, वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं, इनकी quantity बहुत ज़्यादा है, जैसे कि sunlight, air, तो ऐसे जो resources हैं इन्हें हम inexhaustible natural resources कहते हैं। The resources which are present in unlimited quantity and cannot be exhausted. Example, sunlight, air. Next, fossil fuels. Wo fuels which are prepared from the dead remains of living organisms. Jab living organisms marte hain, uske baad wo mitti ki layers mein, rocks vagaira mein, pattharon mein dab jate hain aur unse jo ingan banta hai, unse jo fuel bante hain, उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि कोयला जो है वो पेड़ों के दबने से बनता है, और पेट्रोलियम जो है वो जो समुद्र में जो जीव हैं उनके, वो जब मर के जब वो लेयर्स में दब जाते हैं, रॉक्स की लेयर्स में या रेत की लेयर्स में दब जाते हैं, तब वो धीरे धीरे बहुत करोड़ों सालों में वो धीरे धीरे जो है फ्यूल में बदलते हैं। तो ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स कि डीकम्पोजिशन से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। द फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन इज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन होता है जो डेड वेजिटेशन है, जो डेड प्लांट्स हैं, जब वो धीरे धीरे कोयले में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल। तो ये थे हमारे कुछ कीवर्ड्स और डेफिनेशंस। चलिए अब हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। रिसोर्सेज, सबसे पहली जो टर्म आती है वो है रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपने नेचुरल रिसोर्सेज कई बार सुना होगा, बट रिसोर्सेज भी अलग अलग तरह के होते हैं। रिसोर्सेज वो कोई भी मटेरियल्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं, द मटेरियल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर से हमें मिल सकते हैं, वो उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, या ये जो रिसोर्सेज हैं दे कैन बी मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है हमारा सॉयल, वाटर, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, जो भी चीज हमें नेचुरली मिल रही है। और मैनमेड रिसोर्सेज में है जैसे कि रोड्स हैं, डैम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। तो ये सारे जो हैं, क्योंकि ये ह्यूमन ने बनाई हैं ये चीजें, ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करके, बट दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, तो इसीलिए उन्हें हम मैनमेड रिसोर्सेज कहते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं दे कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड, कम मात्रा में प्रेजेंट है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे हमने डेफिनेशंस में डिस्कस किया था। और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में अगर हमने इन्हें ध्यान से इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जबकि देर आर सर्टेन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑल्सो जो कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ऑन अर्थ और वो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नाउ देर आर सर्टेन रिसोर्सेज जो वैसे तो हम इनएग्जॉस्टिबल कैटेगरी में उन्हें डाल सकते हैं, बट ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आ गए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्स एंड वाटर। फॉरेस्ट्स जो हैं, जो पेड़ हैं, वो अपने आप को बहुत जल्दी रिन्यू कर लेते हैं। अगर हमने कोई पेड़ काटा है तो आने वाले 8-10 सालों में जो पेड़ है वो दोबारा अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को रिन्यू करते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से और जो जंगलों का एरिया उसको साफ करके उसकी जगह हम मकान या रोड्स या और कंस्ट्रक्शन इस तरह की कर रहे हैं कि वो जो जंगल खत्म होते जा रहे हैं वो दोबारा अपने आप को रीग्रो या रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जो जंगलों का एरिया है वो धरती पे कम होता जा रहा है। सो एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, बट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से, जुडिशियसली यूज करें और सोच समझ के इस्तेमाल करें, ताकि उसे हम भी इस्तेमाल कर सकें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और उन्हें हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा कर रख सकें। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज। इट्स कंजर्विंग डज नॉट मीन कि वी शुड स्टॉप यूजिंग इट। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम रिसोर्स को खुद भी इस्तेमाल करें और उस तरीके से इस्तेमाल करें कि रिसोर्स सारा ख़त्म ना हो जाए, बल्कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके लिए भी रिसोर्स बच जाए। चलिए एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं और क्लासरूम में एक लाइन में 5 बेंच हैं। टीचर जो है वो फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं उन्हें एक पैकेट पॉपकॉर्न का देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ठीक है, आपने जितना खाना है खा लो, बाकी आप अपने अगले नेक्स्ट बेंच को दे देना। तो यहाँ पे जो बेंचेस हैं उन्हें हम सक्सेसिव जनरेशन मान सकते हैं। फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे हैं वो पहली जनरेशन है, नेक्स्ट बेंच पे जो है वो सेकेंड जनरेशन, थर्ड बेंच पे वो थर्ड जनरेशन, तो इस तरह से। तो अगर फर्स्ट बेंच वाले जो बच्चे हैं अगर वही सारा पॉपकॉर्न का पैकेट खा जाएंगे तो जो अगले बेंचेस हैं उन्हें क्या मिलेगा, और आप देखिए लास्ट बेंच तक जाते जाते क्या बचेगा। तो यही अगर हम रिसोर्सेज को ध्यान से नहीं यूज करेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर एक ही जनरेशन सारा कुछ खत्म कर लेगी तो आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए रिसोर्सेज धरती पे बचेंगे ही नहीं। तो बिना इन रिसोर्सेज के जो आने वाली जनरेशन हैं उनकी लाइफ कैसे पॉसिबल होगी? तो धीरे धीरे इस धरती पर से जो लाइफ है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये हमने जो रिसोर्सेज हैं हमारे, इन्हें हमने ध्यान से, जुडिशियसली यूज करना है और इन्हें आने वाली जनरेशन के लिए बचा कर रखना है। अब इन्हीं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में से आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। वो फ्यूल्स
जो कि हमें डेड ऑर्गेनिजम्स की डिकम्पोजिशन से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल होता है जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, कई सालों से जो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं तो उन्हें हम कहते हैं, अगर उनके हमें कुछ रिमेन्स मिलते हैं, किसी की कोई हड्डी मिलती है या किसी का कोई कोई बॉडी पार्ट मिलता है तो उसे हम कहते हैं फॉसिल। तो ऐसे ही फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है कि जो पुराने पेड़ हैं या पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो मर के जमीन के नीचे दब जाते हैं और पत्थरों में बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और वो फ्यूल्स में बदल जाते हैं, तो उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स तीन होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोयला, कोल जो है ये आप लोगों ने देखा होगा जरूर, ये ब्लैक कलर की होती है और ये बिल्कुल पत्थर जैसी होती है, बहुत सख्त है, और इसका इस्तेमाल जो है घरों में हम ईंधन की तरह कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसको थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं जहाँ पे बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले को जला के पानी को भाप में बदलते हैं, स्टीम में बदलते हैं, और वो जो स्टीम है उसमें बहुत ताकत होती है, तो उससे बड़ी बड़ी टर्बाइंस चलाई जाती हैं। आपने स्टीम की ताकत प्रेशर कुकर में देखी होगी, जो प्रेशर कुकर है जब उसके अंदर स्टीम बन जाती है तो एकदम से जो विसल है वो ऊपर उठती है, तो स्टीम में बहुत ताकत होती है और इस स्टीम को फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा जो है उसको प्योर करने के लिए, लोहा पिघलाने के लिए मशीनरी जहाँ पे बनती है, अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो कोयला है उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और पुराने समय में जो कोयला है उसको ट्रेन्स के जो रेलवे इंजन्स हैं इनको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो चलिए अब हम देखते हैं कोल की कहानी, कोयले की जो कहानी है वो देखते हैं हम, कोयला कैसे बना। सो आज से कोई 300 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 30 करोड़ साल पहले, धरती जो है उस पे घने घने फॉरेस्ट थे, बहुत घने जंगल थे, पर उस समय पे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा, जैसे फ्लड आ गए या अर्थक्वेक्स आ गए, तो उसकी वजह से ये जो जंगल थे, बड़े बड़े जंगल, इसमें पेड़ जो हैं वो गिर के धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे दबने लग गए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मिट्टी की जो लेयर है वो बढ़ती गई, वैसे वैसे हीट और प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स हैं ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते चले गए, और इनके डिकम्पोजिशन से धीरे धीरे ये कोयले में कन्वर्ट हो गए। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदलते हैं, अब कोयला जो है वो मेनली कार्बन होता है, उसमें ज़्यादातर कार्बन होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। पेड़ जो हैं वो कार्बन में बदल रहे हैं, कार्बन के फॉर्म में बदल रहे हैं, यानी कि कोयले में बदल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कार्बोनाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब इस कोयले को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस का मतलब है कि उसको बिना ऑक्सीजन के जब हम गर्म करते हैं तो उससे हमें और बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो कोयले से हमें बेसिकली तीन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला होता है कोक। कोक जो है ये सॉलिड होता है और ये दिखने में बिल्कुल कोयले जैसा ही लगता है। ये बहुत ही टफ, बहुत सख्त और बहुत पोरस होता है। इसमें होल्स होते हैं बिल्कुल जैसे कि स्पंज होता है वैसे, तो और इसमें ये ब्लैक सब्सटेंस है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 99% कार्बन है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। और इसे हम स्टील बनाने में या जो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन है, जैसे लोहा वगैरह प्योर करने में, ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कोक को जलाने से जो धुआं है या जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए कोयले की जगह कोक को इस्तेमाल करना ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक माना जाता है। नेक्स्ट है कोल टार। तो जब कोयले को प्रोसेस करते हैं जो दूसरा सब्सटेंस हमें मिलता है वो है कोल टार। ये लिक्विड होता है और ये भी काले रंग का बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है। आपने शायद कोल टार पहले देखा होगा। ये जो सब्सटेंस है ये सड़कों को लेवल, सड़कों के ऊपर जो है उसकी कारपेटिंग के लिए सड़कों पे डाला जाता था पहले कोल टार लिक्विड, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विड है और इसमें करीबन 200 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। और इस कोल टार को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है।
और ये जो है ये पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, दवाइयां बनाने में, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में, प्लास्टिक्स, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सारी जो चीजें इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनसे ये सारी चीजें जो है वो बनाई जाती हैं। और आजकल कोल टार की जगह जो बिटुमन है उसको हम रोड सरफेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड जो सब्सटेंस हमें कोल की प्रोसेसिंग के बाद मिलता है वो है कोल गैस। कोल गैस जो है ये फ्लेमेबल गैस है, इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, बिल्कुल जैसे हमारी एलपीजी होती है। तो इसको भी जहाँ पे कोयले की खदानें होती हैं, जहाँ से कोयला निकालते हैं, वहाँ पे आसपास जो इंडस्ट्री है वहाँ पे कोल गैस सप्लाई करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, और वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोल गैस को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कोल गैस जो है पहले 1810-1820 में लंदन और न्यूयॉर्क के कुछ एरियाज हैं वहां पे स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो कोल गैस है उसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो ये है तीन प्रोडक्ट्स, कोक जो कि सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, कोल टार जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और कोल गैस जो कि गैशियस फॉर्म में है। ये तीन प्रोडक्ट्स हमें कोयले की प्रोसेसिंग से मिलते हैं। हमारा अगला जो फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, समुद्र में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो जब मरते हैं तो वो ओशन का जो बेड है, समुद्र की जो तली है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनके ऊपर रेत जो है वो लेयर्स के फॉर्म में जमती जाती है, और धीरे धीरे ये जो रेत है ये पत्थरों के या रॉक्स के फॉर्म में बदलती है, और इन रॉक्स जो ठोस रॉक है इनमें ये ऑर्गेनिजम्स दब जाते हैं, और बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से धीरे धीरे जो ये डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। अब ये जो कोयला और पेट्रोलियम बनने का जो प्रोसेस है इसमें करोड़ों साल लगते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल्स को बड़े ध्यान से या बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो इनका फॉर्मेशन प्रोसेस है ये बहुत लंबा है। तो करोड़ों साल में ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बनते हैं, और इन्हें हम कुछ ही सालों में अगर खत्म कर देंगे तो नेक्स्ट जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कब जाके तैयार होंगे। तो ये इतना लंबा समय है इनका सिंथेसिस का, और ये ऐसे फ्यूल्स हैं जिन्हें लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो बनने का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा लंबा है, और वो प्रेशर और वो टेम्परेचर हम लैब्स में क्रिएट नहीं कर सकते, किसी भी फैक्ट्री में क्रिएट नहीं कर सकते, ये नेचुरल कुदरती तरीके से ही बन सकते हैं। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम जो है सबसे पहले जो पेट्रोलियम है वो यूएसए में जो पेट्रोल निकालने का जो वेल है वो बनाया गया था, और वो 1859 में सबसे पहले जो ऑयल वेल है वो डिग किया गया था, और इंडिया में असम में 1867 में जो पहला ऑयल वेल है वो बनाया गया था। और इंडिया में जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, ये काफ़ी जगहों पे मिलता है, जैसे बॉम्बे हाई है, कृष्णा और गोदावरी के नदियों का जो इलाका है, और असम का कुछ एरिया है जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है वो प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज, जो पेट्रोलियम है वो कैसे निकाला जाता है फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द ओशन। सो जो नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है ये दोनों तकरीबन साथ साथ ही पाए जाते हैं, और ऑयल क्योंकि गाढ़ा होता है, हैवी होता है, तो ये नीचे होता है, और जो गैस है वो हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे आप जो है वो रॉक की लेयर देख रहे हैं, और रॉक की लेयर के नीचे गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं और आसपास पानी है, और नीचे एक और जो रिजर्वॉयर रॉक है, जो बेस पत्थर है, उसकी आप एक लेयर देख रहे हैं। तो इन दोनों रॉक्स के बीच में जो ऑयल और गैस है वो प्रेजेंट होती है। सो लंबे लंबे जो पाइप्स हैं उनको ड्रिल किया जाता है, उन्हें मशीनों की मदद से रॉक के बीच में उन्हें डाला जाता है, और एक जो पाइप होता है उसमें से प्रेशराइज्ड एयर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से डाली जाती है ताकि दूसरे पाइप से जो गैस और जो तेल है वो बाहर आ सके। तो इस तरीके से जो पेट्रोलियम और जो गैस है उसे, जो नेचुरल गैस है उसे बाहर निकाला जाता है, और इन पाइप्स को हम कहते हैं वेल्स। अब ये जो गैस और पेट्रोलियम निकाला जाता है इसे अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जो नेचुरल गैस है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। पेट्रोलियम जो है
ये बहुत ही गाढ़ा और ब्राउन कलर का लिक्विड होता है और इसमें बहुत से सब्सटेंसेस जो है वो मिक्स होते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ सो मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस होता है। अब इसमें से इन सारे कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि पेट्रोलियम के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। और ये जो रिफाइनिंग है ये जिस जगह पे होती है, जिस इंडस्ट्री में ये रिफाइनिंग होती है, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। सो जो रिफाइनरी है वहां पे इस तरह का एक सेपरेटिंग कॉलम होता है, एक लंबा सा पाइप होता है जिसमें हम अलग अलग टेम्परेचर पे उस पाइप को रखते हैं, उसे गर्म करते हैं, और गर्म करके कुछ एरिया जो है पाइप के वो ज्यादा गर्म होते हैं और कुछ एरिया जो है ठंडे। जैसे आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे नीचे जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस का है, उसके बाद 300 है, फिर 200 है। तो इस तरह से जो ये लंबा सा पाइपलाइन है इसमें अलग अलग टेम्परेचर होता है, और ये जो टेम्परेचर है ये उन सब्सटेंसेस के हिसाब से है कि जिस टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस सेपरेट होते हैं, ये अलग होते हैं। तो जैसे जो नेचुरल ऑयल है या जो सॉलिड्स हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे अलग होते हैं, तो उन्हें 400 डिग्री सेल्सियस जो है इस पे जो हाई बॉइलिंग लिक्विड होंगे या सॉलिड्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है डीजल है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। अब उससे जब हम और ठंडा करेंगे तो केरोसिन अलग हो जाएगा, फिर पेट्रोल अलग होगा, और उसके बाद जो पेट्रोलियम गैस है जो हमारे घरों में एलपीजी इस्तेमाल होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो यहीं से जो गैशियस कंपोनेंट है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस तरह का जो पाइप होता है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर पे हम अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं, और इस प्रोसेस से जो पेट्रोलियम है उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो अलग हो जाते हैं, और फिर हम इन कंपोनेंट्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही है केरोसिन हम घरों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी, और एलपीजी हमारे घरों में सिलेंडर्स जो है जो कुकिंग फ्यूल की तरह हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे कंपोनेंट्स को अलग करके हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं, आपने पेट्रोकेमिकल्स पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में, तो वो जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो इसी रिफाइनिंग के दौरान बहुत से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनसे प्लास्टिक्स या सिंथेटिक जो पॉलीमर्स है, सिंथेटिक फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो इस टेबल में अब हम डिस्कस करेंगे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हमें पेट्रोलियम के मिलते हैं उसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम गैस, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, तो उसको इंडस्ट्री में या घरों में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल जो है वो हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में, स्कूटर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेट्रोल जो है वो एविएशन फ्यूल, एरोप्लेन्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। देन केरोसिन, केरोसिन जो है ये भी जेट एयरक्राफ्ट जितने होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, लैंप्स हो गए या स्टव्स वगैरह में फ्यूल की तरह यूज करते हैं। डीजल जो है ये हैवी गाड़ियां जितनी भी हैवी व्हीकल्स हो गए या रेलवेज में जो डीजल इंजन चलते हैं उन्हें चलाने में यूज होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये ल्यूब्रिकेशन मशीन के तेल होते हैं, ये बेसिकली आपने देखा एड्स भी देखे होंगे कई बार कि जो ऑयल्स हैं हमें हर एक जो मशीन है उसमें ऑयल ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, तो ल्यूब्रिकेशन ऑयल जो है ये मशीन के पार्ट्स को रगड़ने से बचाता है, तो मशीन ऑयल्स जितने भी मशीनें हैं उनमें ये मशीन ऑयल या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इस्तेमाल होता है। देन पैराफिन वैक्स जो है ये कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, या और जो क्रीम्स वगैरह हैं, जो ऑइंटमेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, स्किन क्रीम्स वगैरह होती हैं वो बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बिटुमिन जो है इससे पेंट्स बनते हैं, और इसके अलावा ये सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, रोड सरफेसिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये हैं पेट्रोलियम के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके डिफरेंट यूजेस। अब पेट्रोलियम के बाद नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ये भी पाइप के थ्रू बहुत
इजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जितने भी पेट्रोलियम वेल्स हैं उसके आसपास के एरियाज में जितनी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस को पहुँचाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। इसके अलावा इस नेचुरल गैस को बहुत प्रेशराइज करके इसे सिलेंडर्स में स्टोर करके फिर इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, CNG बहुत कॉमन टर्म है। और इससे आजकल बसेस जो हैं, गाड़ियाँ या ऑटोज जो हैं ये CNG पे चलाते हैं, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसका फुल फॉर्म है। अब CNG जो है ये कंपैरेटिवली बहुत क्लीनर फ्यूल है, ये बढ़िया फ्यूल है क्योंकि ये कम पोल्यूशन करता है और ये जो है इसमें हार्मफुल गैसेस जो है वो नहीं निकलती, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, इसको बड़ी आसानी से सिलेंडर्स के फॉर्म में या पाइपलाइंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ईजी टू स्टोर है। देन ये फर्टिलाइजर्स वगैरह और केमिकल्स जो बनाने हैं बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इंडिया में नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी नदियों का जो डेल्टा है जहाँ पे वो समुद्र से जाके मिलती हैं, तो उस एरिया को हम डेल्टा कहते हैं। तो वो जो डेल्टा रीजन्स होते हैं वहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी नेचुरल गैस के काफ़ी रिजर्व्स हैं। तो अब तक हमने देखा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके क्या यूजेस हैं और उन्हें किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको जलाने के, इस्तेमाल करने के काफ़ी नुकसान भी हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो नुकसान यही है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब ये जलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, और जब ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो गैसेज हैं वो हवा में जाती हैं, और उसकी वजह से एसिड रेन, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में जाते हैं तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये पानी के साथ मिलके, जब बारिश होती है तो पानी के साथ मिलके ये बारिश को बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कर देते हैं और उसे हम एसिड रेन कहते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वो गैस है जो कि बहुत ज़्यादा सूरज की जो गर्मी है, जो रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल हमारा हम बात करते हैं कि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके लिए एक जो मेन कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। देन इसके अलावा ये जो पोल्यूशन है इससे बहुत सारा जो धुएं के पार्टिकल्स हैं, स्मॉग पार्टिकल्स जो हैं ये भी हवा में चले जाते हैं, और इन स्मॉग पार्टिकल्स की वजह से कई लोगों को लंग्स की जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, आई इरिटेशन होता है। तो ये डिफरेंट तरह के जो नुकसान हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स को के इस्तेमाल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमने मिनिमम जो है वो फ्यूल का यूज़ करना है, बहुत ही ध्यान से कंजर्व करके यूज़ करना है, जैसे हमने पहले बात की है। तो हमारी जो गाड़ियां हैं उनको हमने एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे चलाना है, जैसे 40-45 की स्पीड की बात होती है, और इंजन जो है ट्रैफिक लाइट्स पे बंद कर देना है, जो अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग है वो रेगुलर करानी है, सही टायर प्रेशर जो है वो मेंटेन रखना है और रेगुलर मेंटेनेंस अपने व्हीकल की करानी है, और अगर हम नज़दीक कहीं जाना है तो हम बाइसाइकिल या बाय वॉक चल के जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सके, अगर इंडिविजुअल गाड़ी ना हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम ये जो फॉसिल फ्यूल है इसे बचा सकते हैं। इससे हमारा जो खर्चा है वो भी कम होगा और हमारा फ्यूल भी बचेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।